हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.15। दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है। हमेशा याद रखना, इनसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है। अगर वो क्यों होता है उसका कारण बताता हूं, ठीक है दोस्तों। अगर यहां पे जैसे इसको क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें Q1, Q2, Q3 चार्जेज है, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, इक्यू होता है। एफ क्या इक्वल टू क्या होता है, इक्यू होता है। और अगर ये जैसे सपोज करो ये Q1 चार्जेज, और अगर यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो यहां पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो यहां पे ये मूव करने लग जाएगा ना चार्ज। और अगर चार्ज मूव करने लगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन थोड़ी रही। अरे सपोज करो जैसे ये कोई कंडक्टिंग चार्ज, ये कंडक्टिंग चार्ज बॉडी है, ठीक है, आइसोलेटेड, ठीक है, और इसको मैंने क्यों चार्ज दिया, ठीक है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रो जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं जीरो नहीं हुआ ना, ठीक है, देखो ये तो इंसुलेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर कंडक्टिंग बॉडी हुई, ठीक है, तो इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और अगर जीरो नहीं है तो वो चार्जेस मूव करने लग जाएंगे, और चार्जेस मूव फ्लो करने लग जाएंगे तो कौन सी कंडीशन हो गई, मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वो कौन सी होगी, करंट वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो ऐसा हम ऑब्जर्व नहीं करते। क्या कभी ऑब्जर्व किया कि जैसे किसी मेटल को आपने चार्ज दिया वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, मतलब करंट बन रहा है, ठीक है, करंट नहीं बनेगा। क्लियर हो गए, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पे आओ, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है तो आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो आप कोई गॉसियन सरफेस बनाओ, देखो इनसाइड जैसे ये कोई गॉसियन सरफेस बनाओ, ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, क्लियर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो, ठीक है, और ये जीरो कब होगा, जब नेट नेट चार्ज आल्सो इन जीरो होगा, ठीक है, और नेट चार्ज जैसे क्यों तो चार्ज दे रखा, फिर चार्ज नेट चार्ज जीरो कैसे हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, जो ये चार्ज देते हैं ना तो वो क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होके सरफेस पे रहता है, हमेशा ध्यान रखना इसकी सरफेस पे रहता है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जैसे आपने कहीं भी पुट किया, जैसे आपने यहां डीप इनसाइड यहां पुट किया, यहां पुट किया, यहां पुट किया, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10^-9 सेकंड में यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गया। जैसे मान लो ये कोई चार्जेज है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होने के कारण क्या करेगा, 10^-9 सेकंड में ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर सरफेस पे आ जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, दो बात क्लियर होगी, ठीक है, और ये कैसी भी शेप हो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आओ, देखो, इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज इज जीरो। अच्छा वो क्वेश्चन वाला बनाओ पहले, देखो दे क्या रखा आपने को, स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल दे रखी है, ठीक है, जिसकी इनर रेडियस दे रखी है R1, ये R1, ठीक है, और ये दे रखी है आपको R2, ठीक है, R2, क्लियर, ठीक है। अब कह रहा है इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इन, इस पे चार्ज भी है क्यों, ठीक है, तो आप आपको मैंने अभी बोला कोई भी चार्ज हो हमेशा काम करेगा यहां पे, ठीक है, आउटसाइड पे, ठीक है। इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड ए कैविटी विद नो चार्ज इज जीरो, अगर यहां इनसाइड कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा क्या, इनसाइड द कैविटी जीरो ही होगा, ठीक है ना। इवन इफ द सेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इरेगुलर शेप एक्सप्लेन, है ना, उसमें भी जीरो ही होगा, मैंने आपको बोला गॉसियन सरफेस बना लेना, क्लियर, ठीक है। अब पार्ट फर्स्ट पे आओ, ए चार्ज क्यों इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, अगर यहां पे क्यों चार्ज प्लेस्ड कर दिया प्लस क्यू, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब भी वही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, ठीक है, तो इसमें देखो कंडीशन कैसे होगी, है ना, अब गॉसियन गॉस लॉ लगाओ, देखो ई डी ए, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, अब नेट चार्ज जीरो करने के लिए क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा तभी ये जीरो होगा ना इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, इस यहां पे माइनस क्यू हो गया, क्लियर, तो माइनस क्यू को करेगा और प्लस क्यू को ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी अगर सरफेस डेंसिटी चाहिए, देखो सिग्मा इनर की तो सिग्मा आई, तो चार्ज चार्ज कितना दे रखा माइनस क्यू, और एरिया 4π R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और आउटर पे चाहिए तो कैपिटल क्यू क्यू अपॉन
4 पाई आर टू का होल स्क्वायर। समझ में आ गए? ठीक है।